जनपद में बहने वाली नदियों के जलस्तर में और तेजी से गिरावट जारी है। राप्ती नदी भी खतरे के निशान से 44 सेंटीमीटर नीचे आ गई है। फिलहाल जिले में अभी भी 178 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और उन क्षेत्रों में अभी भी 133 नावें लगाई गई हैं। जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि नदियां बहुत ही तेजी से घट रही हैं और सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे आ गई हैं। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार छिटपुट बारिश का अनुमान लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 158 गांव बाढ़ से मुक्त किए जा चुके हैं। जिस गांव में पानी कम हो रहा है वहां पर नगर निगम द्वारा छिड़काव, फॉगिंग तथा सफाई की व्यवस्था की जा रही है और पशुपालन विभाग द्वारा चारा एवं भूसे की भी व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, नदियाँ बहुत तेज़ी से घट रही हैं और सारी नदियाँ अब डेंजर लेवल से नीचे आ रही हैं और जो मौसम विभाग द्वारा जो पूर्वानुमान भी जारी किया गया है तो छिटपुट वर्षा का ही पूर्वानुमान है। तो अब इससे यह स्पष्ट होता है कि अब धीरे धीरे हम लोग को बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी। कल तक हमारे 158 गाँव बाढ़ से मुक्त हो गए थे, आज भी काफ़ी जगहों पर पानी रिसीट कर गया है। तो अभी तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त हो रही है, तहसीलों से जब रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी तो उसके अनुसार आज कितने ग्राम बाढ़ से मुक्त हुए हैं वो भी अपडेट कर दिया जाएगा। सर, बाढ़ वाले गांव में क्या व्यवस्था है और पानी भी कम हो रहा है क्या? देखिए, बेसिकली अब जहाँ जहाँ से पानी डाउन हो रहा है वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था युद्ध स्तर पर कराई जानी है, जिसके लिए जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में कल एक बैठक भी आहूत की गई थी और तमाम निर्देश भी यहाँ से निर्गत किए गए हैं।